तो फाइनली दोस्तों, आज की वीडियो में बात कर रहे हैं सैमसंग के गैलेक्सी A21s स्मार्टफोन के बारे में, जो कि अपकमिंग स्मार्टफोन है सैमसंग की तरफ से। आज इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि लॉन्च डेट है दोस्तों, वो आज है, वो रिवील हो चुकी है। कब ये फोन देखने को मिलने वाला है इसके बारे में बात करेंगे, क्या इस फोन की प्राइसिंग होगी उसके बारे में बात करेंगे, साथ में क्या आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे, स्पेक देखने को मिलेंगे, और क्या आपको ये फोन खरीदना चाहिए या नहीं, सभी चीज़ों को एक ही वीडियो में हम कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। अब बिना किसी इंट्रो के हम डायरेक्टली आते हैं अपने वीडियो के पॉइंट पर। यहाँ पर आपको पता है कि सैमसंग ने अभी कुछ ही दिनों पहले सैमसंग गैलेक्सी M01 और सैमसंग गैलेक्सी M11 नाम के दो कबाड़ इंडिया में लॉन्च किए थे, जो कि बिल्कुल बकवास स्मार्टफोन थे। वहाँ पर अगर मैं बात करूँ जो इनके स्पेक आपको देखने को मिल रहे थे, तो काफ़ी आउटडेटेड थे और प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल रही थी। उन स्मार्टफोनों में आपको TFT का पैनल देखने को मिला था, रेजोल्यूशन आपको HD देखने को मिला था, साथ में एक स्मार्टफोन में तो फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं था, जिसकी प्राइसिंग आपको 9,000 रुपीज़ देखने को मिली थी। परफॉर्मेंस भी बिल्कुल गड्ढे में गई। ओवरऑल कहें तो बेकार स्मार्टफोन थे, मैं बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन फिलहाल A20s से हमें उम्मीद है कि ये थोड़ा कम प्राइसिंग में आपको देखने को मिले और कुछ अच्छे आपको कुछ चीज़ें ऑफर करें जो बाकी फ़ोन नहीं कर रहे हैं। देखते हैं कि क्या वो ये दे पाता है या नहीं। करते हैं दोस्तों सीधे स्टार्ट। तो भाई चलते हैं सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी की तरफ। तो बिल्ड क्वालिटी सैमसंग के सभी फोन जैसी आपको इसमें भी देखने को मिलेगी। मुझे यार ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि सैमसंग बिल्कुल खर्चा नहीं कर रही है अपनी बिल्ड क्वालिटी डिज़ाइन में, क्योंकि यार सैमसंग को पता होना चाहिए कि भाई आजकल यार लोग नए नए डिज़ाइन के फ़ोन लेना पसंद कर रहे हैं, साथ में बहुत सारी कंपनियाँ हैं वो सभी अपने डिज़ाइन में वेरिएशन है वो लेकर आ रही हैं। देखिए सैमसंग हर फोन में एक ही तरह का आपको डिज़ाइन दे रही है, चाहे उस फोन की प्राइसिंग 11,000 रुपये हो, चाहे उस फोन की प्राइसिंग 25,000 रुपये हो, तो आप स्पेशल क्या कर रहे हो। साथ में पॉलीकार्बोनेट की बैक आप हमेशा से ही फोन में देते आए हो, इस फोन में भी आपको पॉलीकार्बोनेट की बैक है वो देखने को मिलेगी। तो यहां पर मुझे लगता है कि यार कुछ चेंजेस करने चाहिए थे इनको डिजाइन में। यहां पर आपको क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिल रहा है, फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको देखने को मिलेगा। डिस्प्ले की तरफ चलते हैं तो यहां पर पंच होल आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि काफी सही चीज है। लेकिन मुझे भाई थोड़ी सी बेजल्स आप इस फोन में देखने को मिल रही है, तो ये थोड़ी सी इशू की बात है। बट ओवरऑल अगर हम बात करें डिस्प्ले की, तो लगभग 6.5 इंच के आसपास की आपको HD+ रेजोल्यूशन की डिस्प्ले देखने को मिलेगी। फुल HD डिस्प्ले आपको देखने को नहीं मिलेगी फिलहाल जो लीक्स आ रही है उसके हिसाब से। तो डिस्प्ले पैनल आपको दोस्तों इस फोन में सुपर एमोलेड का देखने को नहीं मिलने वाला है, LCD पैनल आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये IPS LCD शायद ना हो, आपको TFT पैनल ही वो देखने को मिले। तो इसके बारे में अभी रिवील नहीं किए चीजें, लेकिन आपको सुपर एमोलेड ये डिस्प्ले देखने को नहीं मिलने वाली है। बाकी बात करते हैं प्रोटेक्शन की, तो प्रोटेक्शन भाई अभी मेंशन नहीं है, लेकिन ये गोरिल्ला ग्लास 5 की तो देने वाले हैं नहीं, इतने तो भाई अच्छे काम आज तक इन्होंने किए नहीं है मिड रेंज में जो अब ये करेंगे। इसके अलावा बात करते हैं बाकी चीज़ों की, तो यहाँ पर आपको एक्सोनस का 850 वाला चिपसेट है वो आपको देखने को मिलेगा इस फोन में। 850 चिपसेट है, 8 NM के ऊपर बना हुआ है और लेटेस्ट चिपसेट है, लेकिन लेटेस्ट का मतलब ये नहीं है कि बहुत ही पावरफुल आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको कोटेक्स के A55 के कोर्स देखने को मिलते हैं, 8 कोर A55 के हैं, तो आप सोच सकते हो कि परफॉर्मेंस किस तरह की होने वाली है। 2 GHz पर क्लॉक है, कंपेयर करें तो आई थिंक कि स्नैपड्रैगन 450 से थोड़ा सा ये बेटर है वो परफॉर्म करेंगे। एंट्री लेवल का चिपसेट है, ना ही मिड रेंज का है, ना ही बजट का है, ना ही अपर मिड रेंज का है, एंट्री लेवल की आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। माली G52 का आपको GPU देखने को मिलेगा, लेकिन कंपेयर मत कर लेना हेलियो की G70 सीरीज के साथ, काफी ज्यादा लो परफॉर्मेंस आपको इस फोन में देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर कैमरा की, तो कैमरा में आपको क्वाड कैमरा मैंने आपको बताई दिए, 48 MP का आपको सैमसंग का खुद का ही सेंसर इनका देखने को मिलेगा, साथ में 8 MP का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल का कैमरा, 2 MP का आपको डेप्थ सेंसर और 2 MP का ही आपको मैक्रो लेंस है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, 16 MP की आपको सेल्फी है वो देखने को मिलेगी। तो कैमरा स्पेक के हिसाब से इनके अच्छे हैं, बट देखना पड़ेगा कि इनकी जो ISP है चिपसेट की वो किस तरह से काम करती है और किस तरह से ओवरऑल रिजल्ट आएगा। अब ये फोन आएगा दोस्तों तभी सारी चीज़ें वो निकलकर बाहर आएंगी। बाकी बैटरी डिपार्टमेंट सभी फोन की तरह बिल्कुल सेम, 5000 mAh की बैटरी मिलती है, Type-C का पोर्ट है और 15 W की इनकी फेवरेट फास्ट चार्जिंग है। इसके अलावा कुछ भी आपको एक्स्ट्रा फोन में देखने को नहीं मिल रहा है। बात करते हैं दोस्तों कब तक ये फोन लॉन्च होगा, तो नेक्स्ट वीक ये फोन लॉन्च होने वाला है। जो सैमसंग की वेबसाइट के सपोर्ट जो पेज होता है दोस्तों, वहां पर ये फोन है वो लिस्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट वीक आई थिंक कि 19 जून के आसपास इसकी लॉन्च डेट है, 1 या 2 दिन ऊपर होंगे, लेकिन नेक्स्ट वीक पक्का आपको ये इंडिया में वो लॉन्च होता हुआ दिख जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग यार यूके में ये फोन पहले ही लॉन्च हो चुका है 16,700 रुपये में, जहाँ पर आपको 3/32 का वेरिएंट है वो देखने को मिलेगा, बट इंडिया में 4/64 वाला वेरिएंट आपको देखने को मिलने वाला है और 6/64 GB वाला वेरिएंट है वो आपको देखने को मिलेगा। प्राइसिंग निकल कर आ रही है दोस्तों लगभग 16,000 रुपये के आसपास इस प्राइसिंग में ये फोन है वो लॉन्च होने वाला है। तो मान के चलिए कि 15,000 से 20,000 रुपये के प्राइस सेगमेंट में ये आने वाला है, इससे कम ये फोन देखने को नहीं मिलेगा फिलहाल जो लीक्स आ रही हैं उस हिसाब से।
मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ा मजाक है, बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस फ़ोन है। मैं सोच रहा था कि सैमसंग गैलेक्सी M11 ही है जो इस साल का सबसे ज़्यादा बकवास फ़ोन का अवार्ड ले जाएगा, लेकिन आई थिंक कि सैमसंग अपने पूरे योगदान दे रहा है आगे आने वाले स्मार्टफोन में। तो ये फ़ोन भी मैं बिल्कुल भी आपको सलाह नहीं दूंगा। अगर ये फ़ोन 15,000 का भी आएगा या 10 या 12,000 का आएगा तब हम सोच सकते हैं, लेकिन इससे ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली यार बिल्कुल मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि फुल HD डिस्प्ले भी आपको इस फ़ोन में देखने को नहीं मिल रही है, तो बहुत ही बड़ा माइनस पॉइंट है। और मुझे पता नहीं कि सैमसंग को क्या हो रहा है यार, इतना अच्छा मौका है, मेक इन इंडिया वाली जो चीज़ें चल रही हैं आजकल बॉयकॉट चाइना वाली, इसमें अच्छा मौका है कि आप अच्छे एग्रेसिव प्राइसिंग में अच्छे फ़ोन लॉन्च करें, लेकिन भाई लग रहा है कि सैमसंग अपने पुराने दिनों में वापस जाना चाह रहा है। उसको याद आ रही है सैमसंग गैलेक्सी J सीरीज की, जिसमें पहले वो बैश होता था कि उनके फ़ोन हैंग होते हैं, गर्म होते हैं, तो आई थिंक कि सैमसंग M01 भी गर्म होता है, सैमसंग M11 भी गर्म होता है, सैमसंग A20S भी गर्म होगा और हैंग होंगे ये तीनों फ़ोनों। तो डेफिनेटली आप अवार्ड जो आपके पास पुराने थे वो आपके पास वापस है, वो आने वाले हैं, तो इन्जॉय करिए। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो में आपसे फिर मुलाकात हो, तब तक के लिए जय भारत।